सेवियर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री का बच्चों एग्जाम पैटर्न। जी हां बच्चों, सिलेबस का वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो बच्चों आज हम जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होगा बच्चों 2021 का, कोरोना महामारी के कारण बच्चों आप सभी जानते हैं कि 30% सिलेबस कम कर दिया गया है बच्चों। तो 30% सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों आपके केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स और 3 यूनिट कम्प्लीटली बच्चों रिमूव कर दी गई हैं। जो यूनिट बच्चों रिमूव की गई है उसमें था, पहली यूनिट थी बच्चों तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम यूनिट नंबर 6, ये थी बच्चों 4 नंबर की। नेक्स्ट जो बच्चों यूनिट रिमूव की गई है वो थी यूनिट नंबर 15 बहुलक 3 नंबर की। इसके बाद बच्चों यूनिट नंबर 16 थी दैनिक जीवन में रसायन 3 नंबर की। और बच्चों इस प्रकार से आपके जो पेपर था उसमें से 10 नंबर की यूनिट रिमूव कर दी गई है। तो बच्चों आज हम जानेंगे कि ये 10 नंबर की जो यूनिट है ये किस किस यूनिट में इनके अंक ऐड किए गए हैं या किस यूनिट से अब ये 10 अंक आएंगे। दूसरा बच्चों कि एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का आने वाला है, कितने नंबर के आंकिक प्रश्न अब आएंगे और कितने नंबर की बच्चों थ्योरी आएगी या कितने क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बच्चों कि किस किस यूनिट में कितने अंक ऐड हुए हैं। तो बच्चों हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 की इकाई 1 ठोस अवस्था। ये यूनिट बच्चों पहले 3 अंक की थी लेकिन अब एग्जाम में 5 अंक की हो गई, मतलब 2 अंक बच्चों इस यूनिट में बढ़ा दिए गए हैं। यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों विलयन। ये यूनिट बच्चों पहले 5 मार्क्स की आती थी, अब आएगी बच्चों 7 मार्क्स की। कितने मार्क्स की बच्चों? 7 मार्क्स की। इसका मतलब 2 अंक बच्चों इसमें भी ऐड कर दिए गए हैं। यूनिट नंबर 3 की बात करें बच्चों वैद्युत रसायन। ये यूनिट 5 अंक की आएगी, पहले भी 5 की थी बच्चों। यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं रासायनिक बलगतिकी। ये यूनिट भी बच्चों 5 मार्क्स की आएगी, पहले भी 5 मार्क्स की थी। मतलब थर्ड और फोर्थ में कोई मार्क्स ऐड नहीं किए गए हैं। यूनिट नंबर 5 बच्चों पृष्ठ रसायन। ये बच्चों पहले 4 अंक की आती थी लेकिन इस बार 1 अंक बढ़ा दिया गया है तो इसके अंक हो जाएंगे बच्चों 5 मार्क्स। यूनिट नंबर 6 थी बच्चों तत्व के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम रिमूव कर दी गई है। अब यूनिट नंबर 7 जो आपके कोर्स में बच्चों पी ब्लॉक के तत्व, ये बच्चों 7 अंक की है और पहले भी 7 अंक की थी। तो यूनिट नंबर 8 की बात करें बच्चों डी और एफ ब्लॉक के तत्व, ये पहले यूनिट 3 अंक की थी लेकिन 1 अंक इसमें भी बच्चों इंक्रीज कर दिया गया है, ये यूनिट अब 4 मार्क्स की आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों उपसह संयोजन यौगिक की, और उपसह संयोजक यौगिक बच्चों पहले 4 अंक का आता था, अब आएगा बच्चों 6 अंक का। यूनिट नंबर 10 की बात करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन। बच्चों ये यूनिट पहले 4 अंक की थी लेकिन इस बार आएगी 5 मार्क्स में। यूनिट नंबर 11 एल्कोहल फिनॉल और ईथर। तो बच्चों एल्कोहल फिनॉल और ईथर ये 5 अंक की है। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये यूनिट बच्चों पहले 5 मार्क्स की थी लेकिन इसमें 1 मार्क्स ऐड कर दिया गया बच्चों, ये आएगी 6 मार्क्स की। और बच्चों यही अकेली ऐसी यूनिट है जिसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। यूनिट नंबर 13 बच्चों नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक 4 मार्क्स की है बच्चों। जयवड़ आपके कोर्स में बच्चों यूनिट नंबर 14 6 अंक की है और यूनिट नंबर 15 और 16 रिमूव कर। तो बच्चों वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, वीडियो अंत तक देखें क्योंकि बच्चों वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि एग्जाम पैटर्न में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो बच्चों यूनिट नंबर 1 जो है बच्चों ठोस अवस्था, इसमें बच्चों विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, आणविक आयनिक सहसंयोजक और धात्विक ठोस, साथ में बच्चों अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस, और बच्चों इनका प्रारंभिक परिचय पूछा जाएगा बस। द्विविमीय एवं त्रिविमीय क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिकाएं, संकुलन क्षमता, एकक कोष्ठिका के घनत्व का परिकलन, ठोसों में संकुलन रिक्तियां, घन्य एकक कोष्ठिका में प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या और बिंदु दोष। जी हाँ बच्चों, अब आपको जितने भी टॉपिक बताए जा रहे हैं केवल आपको उन्हीं टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों या किसी रेफरेंस बुक से कवर कर रहे हैं, लेकिन जितने टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं बच्चों वही कवर करने हैं अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं। तो बच्चों यूनिट नंबर 2 है आपके पास विलयन। तो पहला टॉपिक है बच्चों विलयनों के प्रकार। दूसरा बच्चों ठोसों के द्रवों में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, यानी कि मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज इत्यादि। बच्चों गैसों की द्रवों में विलयता, ठोस विलयन, अणुसंख्या गुणधन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम, क्वथनांक का अवनमन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, अणुसंख्या गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। जी हाँ बच्चों यूनिट नंबर 2 के जो टॉपिक आप एग्जाम में आएंगे वो आपके सामने है। यूनिट नंबर 3 वैद्युत रसायन। बच्चों वैद्युत रसायन में बच्चों ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व, विशिष्ट एवं मोलर चालकता, सांद्रता के मध्य चालकत्व में परिवर्तन, कोलराउस नियम, बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, वैद्युत अपघटन और सेल का विद्युत वाहक बल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नर्स्ट इक्वेशन, बच्चों इससे न्यूमेरिकल पोर्शन भी बन जाता है, और रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग, गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल में EMF में या सेल के EMF यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में परिवर्तन के मध्य संबंध। यूनिट नंबर 4 की बात करेंगे बच्चों रासायनिक बलगति की।
बहुत ईजी यूनिट है बच्चों, 5 मार्क्स में वैसे आएगी। अभिक्रिया का वेग, औसत और दाक्षिणिक, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक सांद्रता, ताप और उत्प्रेरक। बच्चों ध्यान रखें, वेग को प्रभावित करने वाले केवल 3 कारक पूछे जाएंगे, सांद्रता, ताप और उत्प्रेरक, यानी कि दाब, ठीक है, या इनकी प्रकृति वगैरह, कुछ ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, वेग नियम और विशिष्ट दर, स्थिरांक, समाकलित वेग समीकरण और दायु, केवल शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए। ठीक है बच्चों, यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 5 बच्चों आपके सामने है प्रश्नसायन। प्रश्नसायन में बच्चों आपके सामने टॉपिक है अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण और रसावशोषण, ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है बच्चों, और कोलाइड की अवस्था, कोलाइड, वास्तविक विलयन एवं निलंबन में विभेद, द्रव रागी कोलाइड यानी कि द्रव स्नायी और द्रवरोधी कोलाइड, बहुआणविक और वृत्त आणविक कोलाइड, कोलाइडों के गुणधर्म, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युत कण संचलन और स्कंदन। बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों यूनिट नंबर 7 की, पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्व में बच्चों वर्ग 15 के जो तत्व हैं उसमें से आएगा बच्चों सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, नाइट्रोजन विरचन मतलब बनाने की विधि, गुणधर्म और उपयोग, नाइट्रोजन के यौगिक अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल का विरचन तथा गुणधर्म। तो याद रखें बच्चों 5 मार्क्स का क्वेश्चन नाइट्रिक अम्ल या अमोनिया से बनने के पूरे चांस रहेंगे। यूनिट नंबर 7 उसमें बच्चों वर्ग 16 के तत्व, सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उपलब्धता, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, डाई ऑक्सीजन विरचन, गुणधर्म और उपयोग, ऑक्साइडों का वर्गीकरण, ओजोन, ये भी बच्चों अच्छा टॉपिक रहेगा, सल्फर अपर रूप, सल्फर के यौगिक, सल्फर डाइऑक्साइड, गुणधर्म और उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल बच्चों गुणधर्म और उपयोग, और सल्फर के ऑक्सीअम। तो ध्यान रखें बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल के गुणधर्म और उपयोग सिलेबस में है, केवल इसकी बच्चों औद्योगिक विधि हटी है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से क्वेश्चन बच्चों आएगा एग्जाम में, आने का पूरा चांस रहेगा, क्योंकि यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन रहेगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल सिलेबस से हट चुका है। तो बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल की औद्योगिक विधि यहाँ से हटाई गई है, इसके रासायनिक गुण एग्जाम में बच्चों आ सकते हैं। तो यूनिट नंबर बच्चों 17, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के बाद बच्चों इसमें था सल्फर के ऑक्सीअम, केवल संरचना है। यूनिट नंबर बच्चों हमारी जो थी 7, उसमें वर्ग 17 के तत्व, सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, हैलोजन के यौगिक, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विरचन, गुणधर्म और उपयोग, अंतरहैलोजन यौगिक और हैलोजन के ऑक्सीअम बच्चों संरचनाएं। और इसी में बच्चों वर्ग 18 के जो तत्व थे इसमें आएगा सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में प्रवृत्तियां और उपयोग। बात करते हैं बच्चों यूनिट नंबर 8 की, तो यूनिट नंबर 8 थी बच्चों आपकी डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं बच्चों इसमें आएगा सामान्य परिचय इनका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण और उपलब्धता, संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी में या गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियां, धात्विक अभिलक्षण, आयनन एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, आयनिक त्रिज्या, वर्ण, उत्प्रेरकीय गुण, चुंबकीय गुणधर्म, अंतरकाशीय यौगिक और मिश्र धातु बनाना। बात करें बच्चों लैंथेनाइड की इसी यूनिट में, तो लैंथेनाइड का पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, लैंथेनाइड आकुंचन। बच्चों लैंथेनाइड आकुंचन इस यूनिट का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इसके प्रभाव। यूनिट नंबर 9 की बात करते हैं बच्चों उपसह संयोजन यौगिक। तो उपसह संयोजन यौगिक में बच्चों 6 मार्क्स की आएगी अभी यूनिट। तो उपसह संयोजन यौगिक में परिचय, लिगेंड, उपसह संयोजक संख्या, चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियां, एक नाभिकीय उपसह संयोजन यौगिक का आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण। तो बच्चों पहले आईयूपीएसी में नामकरण कभी आता था कभी नहीं, लेकिन बच्चों इसका वेटेज बढ़ा दिया गया, तो इसलिए हो सकता है कि 100% आपको आईयूपीएसी यहां से आ जाए। आबंधन, वर्नर का सिद्धांत, वीबीटी और सीएफटी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 10, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इसमें भी बच्चों 1 अंक बढ़ा दिया गया था। तो हेलो एल्केन से पूछा जाएगा बच्चों नाम पद्धति, CX आबंध की प्रकृति, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, प्रतिस्थापन, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, ध्रुवण, घूर्णन। हेलो एरीन में बच्चों CX आबंधन की प्रकृति, प्रतिस्थापन, अभिक्रियाएं, केवल मोनो प्रतिस्थापन, ठीक है बच्चों, यौगिकों में हेलोजन का देशिक प्रभाव, केवल बच्चों मोनो हेलोजन यौगिकों के लिए आएंगी। यूनिट नंबर 11 की बात करें तो बच्चों यूनिट नंबर 11 है आपकी अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ये यूनिट बच्चों 5 मार्क्स की थी, मैंने पहले ही बताया था। इसमें बच्चों अल्कोहल का नाम पद्धति, बनाने की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, केवल प्राथमिक अल्कोहलों के बच्चों,
प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान करना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों। निर्जलन की क्रियाविधि, फिनॉल नाम पद्धति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, फिनॉल की बच्चों अम्लीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और फिनॉल के उपयोग। ईथर से बच्चों जो टॉपिक बनेगा वो बनेगा नाम पद्धति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और उपयोग। ठीक है बच्चों, यूनिट नंबर 12 की बात करते हैं तो बच्चों यूनिट नंबर 12 अकेली ऐसी यूनिट है जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो यूनिट नंबर जो 12 है बच्चों एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड और कीटोन बच्चों इसमें से आएगा नाम पद्धति, कार्बोनिल समूह की प्रकृति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि, एल्डिहाइडों के अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता, उपयोग। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में बच्चों इनकी भी आईयूपीएसी मतलब नाम पद्धति, अम्लीय प्रकृति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और साथ में बच्चों उपयोग। अब बात करते हैं बच्चों यूनिट नंबर 13 की, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो एमीन बच्चों इसमें नाम पद्धति इनकी एमीन की, एमीन का वर्गीकरण, संरचना बनाने की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उपयोग। और प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीनों की पहचान करना, मतलब बच्चों यूनिट नंबर 13 में केवल आपको एमीन्स पढ़ने हैं और वो भी जनरली प्राइमरी एमीन्स। यूनिट नंबर 14 की बात करते हैं बच्चों जैवाणु। तो जैवाणु है बच्चों आपके सामने कार्बोहाइड्रेट, इसमें वर्गीकरण है बच्चों एल्डोज और कीटोज का, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज और फ्रेक्टोज, डीएल विन्यास, प्रोटीन, एमिनो अम्लों का प्रारंभिक परिचय, पेप्टाइड आबंध, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन और प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थक संरचना, केवल गुणात्मक परिचय बच्चों इनका, और प्रोटीन का विकृतीकरण, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए तथा आरएनए। तो बच्चों इसमें से ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन रहता था वो रहता है बच्चों प्रोटीन। तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं जिसका आपको इंतजार था कि एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे बच्चों। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें आपको पेपर के बारे में बताया गया है कि प्रश्न पत्र बनाने की योजना। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न है, क, ख, ग, घ, ड और छ, यानी कि छह बहुविकल्पी प्रश्न है। तो बच्चों ये हैं कुल छह मार्क्स के। पॉइंट नंबर टू की बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर टू की, इसमें चार पार्ट है, क, ख, ग, घ और प्रत्येक दो अंक का बच्चों कुल मिलाकर 8 अंक के। यूनिट नंबर बच्चों थर्ड मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो इसके भी बच्चों चार पार्ट हैं, प्रत्येक दो अंक का है तो 8 अंक। यूनिट नंबर फोर बच्चों इसके भी फोर पार्ट हैं और प्रत्येक पार्ट 3 अंक का है तो इस प्रकार कुल मिला के बच्चों 12 अंक हैं। यूनिट नंबर फाइव कैक है, गैग है, प्रत्येक अंक 4 का है बच्चों, तो इस प्रकार पेपर का जो बच्चों पैटर्न है वो कुल मिलाकर कितने अंक का हो गया, 16। तो यूनिट नंबर बच्चों सिक्स, देखें 1-5 तक बच्चों किसी भी क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 आएगा बच्चों इसमें क और ख आएंगे बच्चों और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा, कितने अंक का बच्चों होगा, 5 अंक का। और यूनिट क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चों इसमें भी दो क्वेश्चन आएंगे, क और ख, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा, कुल मिलाकर 10 अंक। तो बच्चों यहाँ पर 1-5 तक कोई चॉइस नहीं दी गई है, चॉइस बच्चों क्वेश्चन नंबर 6-7 में अथवा प्रश्न भी होंगे 6-7 में, मैंने नोट में लिखा हुआ बच्चों प्रश्न 6-7 में चॉइस मिलेगी। और आपको ये भी ध्यान रखना बच्चों कि कम से कम 8 अंक के आंकिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखें, आप पेपर में एक शब्द का जिक्र किया गया है कि कम से कम 8 अंक के आंकिक प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका मतलब बच्चों ये भी हो सकता है कि 8 अंक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम के दिए हुए शब्दों को बच्चों ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि लिखा हुआ है बच्चों सिलेबस में कि कम से कम 8 अंक के, पहले लिखा होता था बच्चों कि बोर्ड एग्जाम में केवल 8 अंक के आंकिक प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इस बार लिखा गया है कम से कम 8 अंक के, मतलब बच्चों 8 से ज़्यादा के भी पूछे जा सकते हैं, 10 अंक के में भी आ सकते हैं और 12 में। तो बच्चों अगर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं और आप तैयारी कर रहे हैं बोर्ड क्लास के लिए, आपको तैयारी करनी है इस कोरोना महामारी के काल में, तो बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर बच्चों आपको केमिस्ट्री और मैथ्स से रिलेटेड बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाएंगी, बहुत ही इजी और सिंपल वे में आपको बच्चों यहां पर केमिस्ट्री और मैथ्स से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी। तो बच्चों अगर आप हमारा साथ रहते हैं और हमारा साथ ज्वाइन करते हैं तो आई होप बच्चों हमारा जो प्रयास रहेगा कि आप 95+ मार्क्स गेन करें अपने बोर्ड एग्जाम्स में, और लगभग सभी सब्जेक्ट में बच्चों हम कवर कराने वाले हैं। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों को बच्चों शेयर करें जिससे उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके कि एग्जाम में जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो किस किस यूनिट में बच्चों इंक्रीज हुआ है और क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।